बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, जिस दिन सानिया साहिवाल हुआ उस दिन टॉप स्टोरी का ऑफ डे था और मैं अपने घर में मौजूद थी। ये कहानी, ये जो स्टोरी थी टेलीविजन स्क्रीन से पता चली, उस दिन से लेकर आज तक खामोशी इस तरह से तारी है कि अपने सोशल मीडिया पे एक लाइन लिखने से मैं कासिर थी, क्योंकि सत्ते के आलम में, परेशानी के आलम में मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये हो क्या गया। और आज जब जिम्मेदारी दी गई इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने की और मैं यहाँ पर उस सानिए में शहीद होने वाली फैमिली के घर के बाहर मौजूद हूँ, तो मालूम नहीं है कि अल्फाज क्या इस्तेमाल करने हैं, अंदर जाके घर वालों से ताज़ियत किस तरह से करनी है, उनकी आवाज़ किस तरह से बनना है, उनकी आवाज़ किस तरह से बुलंद करनी है। ये जो वाकया हो गया ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा सानिया था। शहरी, आम शहरी जो अपनी गाड़ी में एक शादी की तकरीब में जा रहे थे, उनको अंधाधुंध फायरिंग करके बच्चों समेत मार दिया गया और उनके तीन बच्चों को बेयारों मददगार सड़क पर छोड़ दिया गया। सुबह के वक्त ये सानिया होता है और जो नन्हा उमेर है और उसकी बहन है, उनके बाजू पे, उसके टांग के ऊपर गोली लगी थी और किसी ने मरहम पट्टी तक नहीं की उन नन्हे बच्चों की। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का आज बकायदा आगाज करते हैं इस भारी दिल के साथ और उस फैमिली से जाकर मिलते हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटे, उनकी बहू, उनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। आइए कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज बन सके, उनकी आवाज बुलंद कर सके। अगर किसी के घर में वफात हो जाए तो अल्फाज नहीं रहते कि उनके हम किस तरह से उनके अफसोस के अंदर शामिल हों। और बीइंग अ फीमेल, जब इस तरह से कोई कहीं पे भी जाना हो तो मेरे पास अल्फाज नहीं रहते। और आज इसी दुख में और बहुत मुश्किल की घड़ी में अपने सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करनी पड़ रही है, तो कोशिश करूँगी कि जो फैक्ट्स हैं आप तक हम पहुँचाएँ। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं जो रो रहे हैं इस वक्त, और मुझे मालूम नहीं है कि इस तरह से इस माहौल में अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से अदा करना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत ऐसा एक माहौल है जिसमें बात करना भी हादिया हमारे साथ है और ये छोटी सी बच्ची है जो कि उस गाड़ी में थी, और माइक उसके सामने करना मुनासिब नहीं है इस वक्त। तमाम तर लोग हैं यहाँ पर, हादिया ना उसके पास उसकी वालदा है और ना उसके पास उसके बाबा हैं, और उसकी बहन भी उससे बिछड़ चुकी है। छोटी सी बच्ची है, ये दहशत गर्द है। मैम पूछते हैं हुकूमत से, ये दहशत गर्द थी या जो बच्चे मारे गए वो दहशत गर्द थे? इनको ज़रा तरस नहीं आया मेरे मामू के ऊपर, मेरी मामी के ऊपर। इन लोगों ने सीधी गोलियां चलाई, आगे से कहते रहे मेरे मामू गोलियां ना चलाएं, जो चाहिए आप ले लें, हमसे हमें ना छोड़ दें। इन्होंने उसके बावजूद हमारे मामू मामी के ऊपर गोलियां चला दी, बच्चों को भी नहीं देखा इन लोगों ने। एक बेटी को कत्ल कर दिया, उनके ऊपर गोलियां ली, आंखों के अंदर गोलियां मारते रहे ये लोग। कम से कम बच्चों को ही देख लेते, इनको बच्चों के ऊपर भी तरस नहीं आया। अब बच्चे ये पूछते हैं हमसे, हमारे मामा पापा किधर, हम कहाँ से ला के देंगे इन लोगों को, हमें बताएं। ऊपर से हमें कह रहे हैं हम 2 करोड़ रुपया दे देते हैं आप लोगों को इमदाद, हम ऐसी इमदाद को मुस्तरद करते हैं, हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जिन्होंने हमें बच्चों के ऊपर, मेरे मामू मामी के ऊपर फायरिंग की है, हमें वो लोग चाहिए बस। ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है नामजद हैं, इनको यही नहीं पता कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, ऑपरेशन पे जा रहे हैं, उनका नाम ही नहीं पता इन लोगों को कि कौन से लोग ऑपरेशन पे थे उस टाइम। हमें अपील करते हैं आर्मी चीफ से, अपील करते हैं चीफ जस्टिस से, अपील करते हैं कि उनकी निगरानी में टीम बनाई जाए, ये इसकी जो टीम तश्कील दी गई हम उस तश्कील को नहीं मानते। हादिया जख्मी है, उसके गाल के ऊपर जख्म आए हैं और शीशे लगे हैं उसको और जख्मी है बुरे तरीके से। मुझे ये नहीं बोलती हमारे लोगों ने मासूम बहन पर, उनको तर्स भी नहीं आया उनको मासूम बहन पर। मेरा मिस मारा है उनका बेटा, उसकी टांग पे फैर लगा है, वो भी चलो मौत तड़प रहा है। उसकी बेटी है,
कह रहे शीशा लेकर पहन, उसको भी पैर लगा है, वो भी तड़प रही है। हमें इंसाफ चाहिए, छोटे छोटे से बच्चे। आपको क्यों नहीं रो रहा रहा? हमें इंसाफ चाहिए, हमें जाने को प्लेटा में ना खापने ने लखा दिया ने, वो भी नहीं रहन दितिया। वो प्लेटा गड्डी दिया ला के लै गए, वो भी नहीं लैन दितिया कोई भी, जहां तो वो भी लीजे नाल हो के लाइया इन्होंने, ऐसे तो लाइया ने कैसी गैप हो जाइए। मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है, उनके इंसाफ से आप मुतमईन है? साफ, बिल्कुल साफ चाहिए। मुतमईन जो ऐलान किया गया इंसाफ के हवाले, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको कहना चाह रही हूँ, और वजीर आजम को और वजीर आला को, अगर वो मुसलमान होते, नस्ली होते, वो मुसलमान का कभी भी खून ना करते। वो तो हिंदू से भी बदतर थे, वो तो कफर थे। कफर थे तो उनकी शहादत हुई है। भाई ने हाथ जोड़े कहा जो लेना ले लो हमारी जान, हमारे पर गोली ना, उन्होंने भी वो तो बदतर थे। वो थे तो उन्होंने नकाब किया था। अगर वो दहशत गर्द ना होते तो नकाब ना करते, ओपन होके तो आते है ना, दुनिया के सामने मारते। उनका जो तरीके कार था ना, वो तरीके कार ये था कि सबको रेस्ट करते और थाने में ले जाते, उनकी तस्दीक करते, तसल्ली करते, फिर जो दिल में आता वो करते। हमसे लेकिन तब्दीली तब्दीली जा रहे थे ना, तब्दीली 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 आ गई है, इससे बदतर और कोई तब्दीली नहीं है। वजीर आजम से ये एक बात है, उनको सजा मिलनी चाहिए। वजीर इमरान खान दहशतगर्द दिवे, इन्हे लोगों ने छड़िया दहशतगर्द, इथे वाले नहीं सने करो, लुट लिया कंजर ने। चौथे आदमी को भी दहशतगर्द करार दे दिया, जबकि वो इस्लामी भाई है। इनको शर्म नहीं आती, उन्हें पता कि उनके पीछे आने वाला कोई नहीं है, उसको दहशतगर्द करार दे देंगे। वजीर आजम का काम बनता है इनके खिलाफ नोटिस लेना, ऐसे सरेआम गोलियां मार के मार देना। ऐसे बंदे को तो जीने का हक ही नहीं है इस दुनिया के ऊपर। वो कह रहे अब, वो कह रहे मैं उसका छोटा भाई हूँ, वो कह रहे हम इमदाद देंगे 2 करोड़। वो दो सिर्फ कहा किसी ने नहीं है, हमसे किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया, सिर्फ मीडिया में बता रहे हैं कि 2 करोड़ देंगे। कौन कौन आया मिलने के लिए अभी तक? तो फिलहाल तो कोई नहीं आया, और ना कहते हमने उसे रब्ता किया, हम 2 करोड़ का ऐलान कर रहे हैं। वो ऐलान कर रहे हैं ना, मैं 3 करोड़ देता हूँ जिसने ऐलान किया है, जो कह रहा मैं 2 करोड़ देता हूँ, मैं ये घर बेचूंगा, अपनी चौप बेचूंगा, जो इतना मेरे कुछ पास है मैं सारा कुछ बेच के 3 करोड़ रुपया जमा करूंगा, और मैं ऐलान नहीं करूंगा। और जिसने ऐलान किया उसको मार के सिर्फ 5 मिनट बाद उसकी फैमिली को मैं दूंगा कि ये आपकी कीमत है, मैंने भाई बेचा है, मेरे भाई की 2 करोड़ कीमत लगा रहे हैं, ये मेरी पूरी फैमिली 2 करोड़ की थी, ये मुझे बताए ये कुम्मत क्या है ये। हमारी एक बात है फौज से, हमारी एक बात है फौज से कि हमें इंसाफ चाहिए, हम उनको खुद मारेंगे। और ये चौक आप कैसे मिल सकते हैं, क्या चाहते हैं, क्या मिल सकता है आपको, आप क्या है, क्या है? लगने चाहिए और ऐसे ही उनकी मौत होनी चाहिए, जो हमारे बच्चों को या वारिस करके गए हैं ना, ऐसे ही उनके साथ होना चाहिए। ऐसा मीडिया के सिवा कोई नहीं हाईलाइट कर सकता, मीडिया के सिवा कोई भी किसी बात को नहीं फैला सकता। पेट्रोल पंप में गाड़ी में बैठा के पेट्रोल पंप में छोड़ दिया, और उसकी बहन कहती भाई मुझे भूख लगी हुई है, मैंने खाना खाना है, मुझे खाना ला दो। तो फिर वहाँ से ले गए, कोई अच्छा सा बंदा आया, उसने उसकी टांग पर बांध दी और उसको हॉस्पिटल ले गया। वो हॉस्पिटल गए, फिर भी उनको पकड़ के फिर वहाँ ले आए, तो अब मेरे पापा को वो बच्चे मिल गया। हमें वो चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हम अपने हाथों से उनको खुद फांसी देंगे। जैसे उन्होंने मेरे चाचू, मेरी आंटी और मेरी अरीबा को मारा, वैसे हम
मेरे पर हमें भी मारे चौक में जाकर साहब नहीं मिले तो हमें भी मारे वो मेरे चाचू कहते मेरा मुझसे गाड़ी ले लो मुझसे पैसे ले लो हमारा जेवर ले लो सब कुछ ले लो पर हमें छोड़ दो हम सब को छोड़ दो फिर भी ना उन्होंने मासूम बच्ची पर क्या कहूँ मैं मासूम बच्ची पर उन्हें तर्स भी नहीं आया हमारी अरीबा चले गए हमारी आंटी चली गई हमारा चाचू चला गया ये कहते हैं कि ना गाड़ी के शीशे ब्लैक थे उन्होंने मेरी कजन को बाहर निकाला उसके खुद छह फेर मारे हैं ये गाड़ी के शीशे ब्लैक थे उनका खुद बाहर निकाल के मारा कजन जो थी हाँ 13 साल की उम्र वो दहशत गर्द है उनका खुद बाहर निकाल के मारा वो दहशत गर्द तो होती तो उनकी नंबर प्लेट ना लगी होती और खुद उतार के नंबर प्लेट लेके गए खुद उतार लेके गए और साहब नहीं मिल सकता इंसाब नहीं मिल जाता तो हमें भी मारा फिर हमें जोर बचा के मारे वो उनकी दहशत गर्द थे ब्लैक गाड़ी थी हमने खुद देखा उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी कि हम बच जाए उनकी गाड़ी पर हमने खुद देखा था उनके भी नहीं गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी थी हमारी गाड़ी जब आई बाहर देखा हमारे चाचू कहते हैं रिबा तू नाती तो थी रहेगी तू जाना है तो कहती हाँ चाचू ऐसे जाना है ऐसे चलने हैं गाड़ी मैंने खुद देखी उनकी नंबर प्लेट लगी हुई थी तो उनकी क्यों नहीं लगी थी उनकी नहीं लगी थी नाज़रीन ये फैमिली इंतहाई गमज़दा इनके बच्चे इतने वोकल सबको मालूम है अरीबा के बारे में सबको मालूम है हादिया के बारे में उमैर के बारे में अपने चाचू खलील के बारे में हर बच्चा यहाँ पर अपने चाचू की गवाही देने के लिए तैयार है हर औरत यहाँ पर अपने भाई की गवाही देने के लिए तैयार है उमैर ने क्या बयानात दिए हैं किस तरह से आहों और सिसकियों के साथ उन्होंने अपील की पुलिस वालों से कि हमें माफ़ कर दें या हमारी आप तलाशी ले लें होना ये चाहिए था कोई किसी नामालूम मकाम पे लेकर जाके उनके साथ तफ्तीश की जाती JIT का कहा जा रहा है यहाँ पर लोगों के लेकिन उनको इस बारे में भी इंसाफ नहीं है 2 करोड़ लेने को ले भी तैयार नहीं है इनको तहरीके इंसाफ की हुकूमत से बहुत ज्यादा शिकवे हैं तब्दीली से बहुत ज्यादा शिकवे हैं बहुत ज्यादा शिकायत है तब्दीली जैसी वो चाह रहे थे आप लोगों ने वोट तब्दीली को दिए थे ऐसी तब्दीली पर लानत भेजते हैं हम ऐसी तब्दीली आई इमरान का है तब्दीली आई इमरान का है तब्दीली ले आंदी सानू बर्बाद करता है सानू बर्बाद करता ही यहाँ पर अभी तक ये फैमिली सारी एक छत के नीचे मौजूद है और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान से लेकर खिलाड़ियों तक कोई भी यहाँ पर इनके दुखों का मदावा करने के लिए या फिर दुखों में शामिल होने के लिए किस तरह से हम यहाँ पे इनके दरमियान मौजूद है कोई नहीं आया कोई आया अभी तक कोई नहीं आया कोई झूठा दिलासा देने नहीं आया कि भाई फोन पे भी नहीं हमने किसी से किया कि भाई आपके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ हमें दुख है कोई हमारे दुख में शरीक नहीं हुआ खान मुजदार साहब वो शायद उधर हॉस्पिटल शायद में गए हैं वो भी अपने तस्वीरें बना के चले गए मैया देखी भी नहीं मैया तो की तरफ तो गई नहीं वो बच्चे सोए थे बच्चों को उठाया सिर्फ पिछले उतारने के लिए आया था कि मैं आ गया हूँ मैं होके चला गया हूँ बस झूठा दावा करके चला गया मैं इतने हमारी उधर पड़ी रही 14-15 घंटा जो रोड के ऊपर सर्दी के अंदर पड़ी रही उसके बाद जाके उन्होंने उमैर को फाइल लगी हुई थी उमैर को कपड़ा भी बांधा किसी ने किसी सिविलियन ने 6 बजे तक पट्टी नहीं की गई उसके हॉस्पिटल में मैं ऐसे ही उसको रहा है गोली कितने बजे लगी गोली उसका तकरीबन लगी जाके सुबह के 11 बजे के जब फायर लगे उस टाइम 6 बजे तक जख्म उसका खुला रहा जख्म किसी ने पट्टी भी नहीं की जो किसी आदमी बाहर वाले ने जो कपड़ा लपेटा था वो 6-7 बजे तक वो ही रहा फिर मैंने ये रोड ब्लॉक किया एहतजाज किया मैंने इधर पूरे रोड पे मैंने ये अपील की खुदा रहा उसको तो पट्टी कर दो उसको तो बचा लो फिर जाके उन्होंने उसको पट्टी की वरना वो बेचारा रो रहा था चाचू मेरा कुछ कर लो चाचू मेरा ला दो इसको मैं कहाँ से ला के दू इनकी जो शादी थी जिनकी शादी थी वो भी यहाँ पे मौजूद है भाई की शादी आपकी शादी थी वहाँ पे भाई की शादी पे जा रहे थे ये देखो इसने काफरों ने कितना जुल्म किया है छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे पर कितनी खुशियां लेके जा रहे थे इन्होंने इनसे ये खुशियां छीन ली है
हमें हमारा क्या बना होगा, हमारे पीछे क्या बना होगा, हमारे घर में खुशियां थी, अब जाकर देखो क्या हो रहा है हमारे घर में, उधर भी क्या हो रहा है, जैसे हम इधर रो रहे हैं उधर भी ऐसे हम रो रही है। हमें बस एक ही बात है, हमें इंसाफ चाहिए, उन कातिलों को हमारे सामने फांसी दी जाए, बस यही हम कहते हैं। जो छोटी बच्ची थी उसके हाथ पे गोली लगी, गोली लगी है। वो भी 6 बजे तक उसका जख्म खुला रहा। जी ऐसे ही है, दोनों बच्चों के बाद में पट्टी की गई 6 साल जब हमने धरना किया था फिरोजपुर रोड पे, वो भी किसी राह चलते ने पट्टी बांध दी, पट्टी की ये पुलिस वाले उठा के लेके डाले के अंदर जाके इन्होंने आगे पेट्रोल पंप के ऊपर उतार दिया। हम बाद में पता मीडिया से पता लगा किस तरह गाड़ी पे फायरिंग हुई है, बाद में हम उधर मामू मेरे गए जाके ढूंढते रहे हैं, उधर गाड़ी के अंदर लाशें पड़ी हैं, बच्चे हमें मिल ही नहीं रहे थे, बाद में पता चला इस तरह आगे पेट्रोल पंप पे बच्चों को इन्होंने छोड़ दिया, पेट्रोल पंप वालों साथ फिर मामू की गाड़ी के पास है जहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई थी। इस तरह के हमारे मुहाफिज हैं, अगर मुहाफिज हमारे इस तरह हमारे साथ करेंगे तो हम कैसे इंसाफ मांगेंगे, किधर जाएंगे हम, हमारे मुहाफिज आशा गड्डी च नहीं सी जो हस्पताल मेरा भाई पहुंचा, उन्हें पूछा हस्पताल वाले कहते सानू नहीं पता, उत्थे जड़े पुलिस वाले वो कहते सानू नहीं पता तुहाडियां लाशां कित्थे ने, उन्होंने शाम नू जाके दसिया उन्हें सारा दिन। जो ऐनी शाहदीन है ना वहां पे, उस लड़के के बकौल ये था कि ये 5 मिनट इन्होंने गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है, फायरिंग करने के बाद ये एक बार चले गए बच्चों को निकाल के लेके चले गए, पूरे 20 मिनट के बाद दोबारा इनकी गाड़ी आई है गाड़ी में से लाशें निकालने के लिए। मैं वहां पे जाए बकवा का मैंने मुआयना किया, मैं वहां पे गया हूं, मैंने वहां से बुलेट्स के जो कैप थे वो इकट्ठे किए, ये बुलेट्स के कैप वहां से मैंने इकट्ठे किए, और उसके बकौल के ये तो कुछ भी नहीं है, ये बुलेट्स कुछ भी नहीं है, इससे कहीं कई गुना ज्यादा बुलेट्स जो ना वहां से इकट्ठी करके आवाम ले गई है, और ये बुलेट्स वहां से मुझे मिली है। मारी दिमाग के अंदर दिमाग के मारी, मेरी रीबा के मारी चोर, वो 13 साल की बची थी, वो दहशत करते हैं बच्चे देखे आया उन लोग, उसको अरीबा और उमेर को निकाल के कहते चलो हम इनको लेके और झाड़ियों में फेंक के आते हैं, लेकिन नहीं, फिर दोबारा ले आए और पहले एंड से सबसे एंड पर अरीबा को मार दिया उन लोगों ने, फिर वो मेरे कजन के उमेर पर टांग पर मार दिया, वो वहाँ हॉस्पिटल में तड़प रहा है। चाचू बहुत दर्द हो रही है। वजीर आला पंजाब साहब कह रहे हैं कि कल 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक हमारे 72 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो मीडिया ने उनसे सवाल किया है कि आप उनको, हमारा मुतालबा है कि उनको फांसी देनी है, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे फांसी दे सकते हैं, तो वो ऐसे कैसे मार सकते हैं हमारे बच्चों को, नहीं बताएं, नहीं अगर दहशत करते हैं बच्चे की मजा लेके गए, वैसे मारने का ही पता है सबको, मारने का पता है, उनको फांसी देने का किसी को नहीं पता, कहते फांसी नहीं दे। आप खलील साहब के भाई हैं, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, 2 करोड़ आपको कबूल नहीं? बिल्कुल नहीं कबूल, मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने 2 करोड़ नहीं लेना। इंसाफ कैसे, फांसी चाहिए आपको जिन्होंने मारा? जी जिन्होंने मारा मुझे वो बंदे चाहिए, ये इंसाफ है कि लाके खड़ा करे भाई ये बंदे, इनसे गलती हुई है, जो आपने करना है माफ करना है, माफ करो, इनको गोलियां मारनी है, ये हम इनसे गन लो इनको मारो, वो मुझ पे है मैं उनको छोड़ू मारू, मेरे सामने गिल्लाए, मुझे ये इंसाफ है। मीडिया पे शो करें बंदे जो है थे, ये नाम भी उनके मीडिया के ऊपर शो करें। तदफीन हो गई है खलील साहब, उनके अहलिया और उनके तदफीन हो, तदफीन में कोई आया? कोई नहीं बता रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक बाद का पता नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं आया। नाज़रीन अंदर मौजूद तमाम अहले खाना से हम बात कर चुके हैं, आपने देखा कि बच्चे किस तरह से तड़प रहे हैं, माएं किस तरह से रो रही हैं, भाई किस तरह से दुहाई दे रहे हैं, ये तमाम मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो पुलिस की कारकर्दगी रही, पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होती है, असल दहशतगर्दों को कैसे पकड़ना है और शहरियों को महफूज कैसे करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।